हेलो एवरीवन, वेलकम टू पारवेज किचन। आज की रेसिपी है रम बॉल्स। क्रिसमस के सीजन में रम के साथ और चॉकलेट के साथ बनाए जाने वाले ये रम बॉल्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। रम बॉल्स आप रम के साथ बना सकते हैं या फिर चॉकलेट के साथ भी बना सकते हैं। रेसिपी हम शुरू करेंगे, उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कीजिए। सुपर मॉइस्ट, डिलिशियस और रम से भरे हुए हमारे जो ये चॉकलेट के छोटे बॉम्ब है, इन्हें आप क्रिसमस के टाइम पे या फिर न्यू ईयर के टाइम पे हमारी फ्रेंड्स फैमिलीज को गिफ्ट दे सकते हैं या फिर घर पे खाने के लिए आराम से बना सकते हैं। अब रेसिपी शुरू करते हैं रम बॉल्स की। सबसे पहले तो हम लेंगे चॉकलेट केक। ये नॉर्मल रेगुलर स्पॉन्ज केक है, आप कोई भी चॉकलेट केक यूज़ कर सकते हैं। इसकी रेसिपी हमने लास्ट वीक में अपलोड करी हुई है। यही चॉकलेट केक हमने लिया है। जितनी क्वांटिटी में आपको इसके रम बॉल्स बनाने हैं उतनी। मैंने 8 इंच का केक लिया है, इसे अब हम इस तरह से क्रश करेंगे। ये देखिए, अब यहाँ पे मैंने रम सोक करे हुए कुछ चेरीज लिए हैं। ये देखिए, ये ड्राई चेरीज है जिन्हें मैंने 2 से 3 दिन तक रम के अंदर सोक करके रखा था, तो अब ये पूरी तरह से फूल चुकी है। यही हम इसमें डायरेक्टली ऐड करेंगे, या फिर आप जैसे आप रम बॉल्स लड्डू की तरह बांधने जाएंगे तब आप अंदर उसके ये एक एक रेजिन्स की तरह आप स्टफ कर सकते हैं और फिर उसे कोट करेंगे हम। यहाँ पे मैंने डार्क रम यूज़ करी है। आप अगर ओल्ड मॉन्क यूज़ करना चाहें तो आप ओल्ड मॉन्क यूज़ कर सकते हैं। अगर आप रम को ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहते तो मेल्टेड चॉकलेट इसमें ऐड करिए। चॉकलेट चिप्स को मेल्ट कीजिए और वही इसमें ऐड करना है आपको, और इस तरह से इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि ये बाइंडिंग कंसिस्टेंसी तक आ जाए। फिर हम इसके अब लड्डू जैसा आकार देंगे। ये देखिए ऐसे। अब इसे बांधते समय मैंने इसके अंदर रम सोक चेरीज को स्टफ किया है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ही इसे करें, नहीं चाहे तो आप प्लेन सिंपल बॉल्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। ऐसे हम सारे बॉल्स प्रिपेयर करके रखेंगे। फिर इन सारे बॉल्स को हम फ्रिज के अंदर कुछ देर तक सेट होने के लिए रख देंगे, कम से कम 1 घंटा। 1 घंटे के बाद हम इन्हें कोट करेंगे चॉकलेट के साथ। अब मैंने यहाँ पे एक ट्रे लिया है, उसके ऊपर बेकिंग शीट डाली है और ये फोक हम आज यूज़ करने वाले हैं। एक बाउल के अंदर हम अब चॉकलेट्स निकाल लेते हैं। यहाँ पे मैंने सेमी स्वीट डार्क चॉकलेट ली है और इसे अब हम माइक्रोवेव करेंगे 30 सेकेंड्स के लिए। इसे मिक्स करेंगे, अगर ज़रूरत महसूस हुई तो वापस 10 से 20 सेकेंड के लिए हम इसे माइक्रोवेव करेंगे। ज़्यादा इसे ओवरहीट नहीं करना है, नहीं तो इसकी शाइन चली जाएगी। ये देखिए, ये मेल्ट हो चुका है। ये है हमारे ठंडे बॉल्स। अब हम इन्हें डिप करेंगे हमारे चॉकलेट सिरप के अंदर। पूरी तरह से इसे कोट करेंगे और फिर इन्हें इस तरह से निकाल के हम बेकिंग शीट के ऊपर रख देंगे। एक्सेस चॉकलेट सिरप इसमें से निकल जाएगा और इस तरह से हम इन्हें प्लेस करेंगे बेकिंग शीट के ऊपर, और फिर इन बॉल को हम वापस फ्रिज के अंदर रखेंगे 1/2 घंटे के लिए, ताकि इस पर जो चॉकलेट कोट किया हुआ है वो पूरी तरह से सेट हो जाए। और फिर हम इसे ड्रिजल करेंगे लेफ्ट ओवर मेल्टेड चॉकलेट के साथ। आप चाहे तो इसके ऊपर सिल्वर पेपर भी लगा सकते हैं या फिर आप इन्हें रोल कर सकते हैं डायरेक्टली स्प्रिंकल्स के अंदर। आप मन चाहा इस पर डेकोरेशन कीजिए। और फिर इस तरह से ये हमारे बॉल्स थे जिन्हें हमने सेट किया था, ये चॉकलेट कोट करके इन्हें सेट किया हुआ है। और फिर इसके ऊपर हमने इस तरह से चॉकलेट सिरप को मैंने ड्रिजल किया था और इसके ऊपर स्प्रिंकल्स मैंने डाले हैं। अब मैं आपको इसे फोड़ के दिखाती हूँ। ये ऊपर से चॉकलेट कोटेड है लेकिन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। आप इन्हें 2 से 3 हफ्ते तक फ्रिज के अंदर स्टोर करके रख सकते हैं और ये जितने ज़्यादा ओल्ड होंगे उतने ही ज़्यादा डिलीशियस लगेंगे, जस्ट बिकॉज हमने इसमें रम ऐड करी है। और अगर आप रम यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो मेल्टेड चॉकलेट यूज़ करके आप इन्हें आराम से बना सकते हैं। ज़रूर ट्राई करके देखिए ये डिलीशियस सिंपल रम बॉल्स की रेसिपी।
पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नेक्स्ट रेसिपी पे मिलते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।